नमस्कार दोस्तों, मैं हरी, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक मिक्सर से दो तरीके का नाश्ता, वो भी टेस्टी। तो चले, इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये 150 ग्राम पत्ता गोभी को लंबे शेप में काट के लिया है। इसे गर्म पानी में डालकर पका लेंगे, यानी कि पत्ता गोभी को सॉफ्ट होने तक उबाल के लेना है। सॉफ्ट होने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। ये देखें, हमारी गोभी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें का पानी निकाल कर लेंगे। ऐसा पानी निकाल लेने के बाद हाथों से या ऐसे चम्मच से दबाते हुए इसमें बचा हुआ पानी निकाल कर ले। अभी हम इस नाश्ते के लिए प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाला है। तो डालेंगे बारीक कटा हुआ एक बड़ा सा प्याज। इसे थोड़ा सा भून कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। तो इसके साथ साथ डालेंगे लहसुन की पेस्ट। ये मैंने 6 लहसुन को क्रश करके लिया था। ऐसे लहसुन को प्याज के साथ में फ्राई करके जब इन दोनों का कच्चापन निकल जाए तो इसे निकाल कर ले। अब ऐसा मिक्सिंग बाउल लेकर बाउल में डालेंगे सॉफ्ट की हुई पत्ता गोभी। इसी के साथ में जाएगी 1/2 कप सूजी। फ्राई किया हुआ प्याज लहसुन डालेंगे, स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और काफ़ी सारा धनिया पत्ता। अभी डालेंगे इसमें 3 अंडों को तोड़कर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें डाले हुए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप अंडा नहीं खाते हो तो अंडे को स्किप करके इसमें दही डालकर बना सकते हो। मैंने पत्ता गोभी को उबाल के और प्याज लहसुन को फ्राई करके इसलिए लिया है कि ये खाने में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी लगे। ऐसे मिक्स कर लेने के बाद इस बैटर को हम सेट होने के लिए 5 मिनट रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद हमारा बैटर अच्छी तरह सेट हुआ है। अभी हम इस बैटर का 2 तरीके से नाश्ता बनाएंगे। तो पहले हम इसके अप्पे बना लेंगे। ऐसा अप्पे पैन लेकर उसको तेल से ग्रीस करके इन सभी खानों में बनाए हुए बैटर में से 1-1 चम्मच बैटर डाल के अप्पे बना लीजिए। इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाएंगे। ऊपर से ऐसा थोड़ा ऑयल डाल के 3 मिनट कवर करके रखेंगे। 3 मिनट के बाद ये नीचे से पक चुका है। इसको पलटकर इस ओर से भी पका लेंगे। ये देखें, हमारे अप्पे का नाश्ता बनके तैयार है। आप वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया बना है। अभी हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ऐसा पैन या तवा लेकर उसको तेल से ग्रीस कर ले और बनाए हुए 2 चम्मच बैटर को पैन में डाल देंगे। बैटर डालने के बाद इस तरीके से फैला ले और ऐसे राउंड शेप दे। अब इसे 2 मिनट कवर करके रखेंगे। दो मिनट के बाद ढक्कन को निकाल कर ऊपर से थोड़ा तेल डालेंगे। अब इसको पलटकर दूसरी ओर से भी सेक लेंगे। इसी तरह आप एक ही मिक्सचर में 2 तरीके से चटपटा नाश्ता बना सकते हो। ये दोनों ओर से अच्छे से पक चुका है, इसे मैं निकाल कर लेता हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।